हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं एनिमे इंडिया। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले उन एनिमेस का जिनका कम्प्लीटली सीजन वन या सीजन टू हिंदी, तमिल, तेलुगु डब में अवेलेबल है। तो चलिए फर्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट एनिमे है कोड गियास। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का टोटल दो सीजन है, सीजन वन एंड सीजन टू, एंड सीजन वन एंड सीजन टू को मिला के टोटल 50 एपिसोड्स है। और अगर हम इस सीरीज के इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो सीजन वन कम्प्लीट हिंदी डब में अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने अभी तक सीजन वन हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो तब तक के लिए चलिए चलते नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है जुजुत्सु काइसन। इस एनिमे को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ दो ही सीजन है, सीजन वन एंड सीजन टू, एंड सीजन वन एंड सीजन टू को मिला के टोटल 47 एपिसोड्स है। और अगर हम इस सीरीज का इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो सीजन वन एंड सीजन टू कम्प्लीटली हिंदी एंड तमिल डब में अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ को हिंदी एंड तमिल डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है री इनकारनेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जोसिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन वन, और सीजन वन में टोटल 13 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस सीरीज के इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये सीरीज कम्प्लीट हिंदी डब में अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है द आइस ब्लेड सॉर्सरर्स शैल रूल द वर्ल्ड। इस एनिमे को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन वन, और सीजन वन में टोटल 12 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस सीरीज के इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये सीरीज कम्प्लीट हिंदी डब में अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है स्पाई फैमिली। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ दो ही सीजन है, सीजन वन एंड सीजन टू, एंड सीजन वन एंड सीजन टू को मिला के टोटल 37 एपिसोड्स है। तो अगर हम इसके इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो सीजन वन कम्प्लीटली हिंदी, तमिल, तेलुगु डब में अवेलेबल है, एंड सीजन टू सिर्फ हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस एनिमे सीरीज को नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है द वीकेस्ट स्ट्रीमर बिगन अ जर्नी टू पिक अप ट्रैश। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन वन, एंड सीजन वन में टोटल 12 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस सीरीज के इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये सीरीज हिंदी, तमिल, तेलुगु डब में कम्प्लीटली अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है द स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक लेबरेंथ रेड्स। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन वन, एंड सीजन वन में टोटल 12 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस सीरीज के इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये सीरीज कम्प्लीटली हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है होकाइडो गर्ल्स अ सुपर एडोरेबल। इस एनिमे को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन वन, एंड सीजन वन में टोटल 12 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस सीरीज के इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये सीरीज कम्प्लीटली हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है विलेनस लेवल 99। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन वन, एंड सीजन वन में टोटल 12 एपिसोड्स है। और अगर हम इस सीरीज का इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये सीरीज कम्प्लीटली हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है द ग्रिम वेरिएशंस। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय नेटफ्लिक्स इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन वन, और सीजन वन में टोटल 6 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस सीरीज का इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये सीरीज कम्प्लीटली हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है मेटालिक रोग। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन वन, एंड सीजन वन में टोटल 13 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस सीरीज के इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये सीरीज कम्प्लीटली हिंदी एंड तमिल डब में अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है दी रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन वन, एंड सीजन वन में टोटल 13 एपिसोड्स है। और अगर हम इस सीरीज की इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये सीरीज कम्प्लीटली हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है फिर इन बियॉन्ड जर्नीस एंड। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन वन, एंड सीजन वन में टोटल 28 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस एनिमे का इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये एनिमे कम्प्लीटली हिंदी एंड तमिल डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए, और जो लोग देख चुके हैं तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है मैचली मैजिक एंड मसल्स। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ दो ही सीजन है, सीजन वन एंड सीजन टू, एंड सीजन वन एंड सीजन टू को मिला के टोटल 24 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस सीरीज के इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये सीरीज कम्प्लीटली हिंदी डब में अवेलेबल है, बोथ सीजन वन एंड सीजन टू। तो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है दी अभूतकड़ी डायरीज। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन वन, एंड सीजन वन में टोटल 24 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस सीरीज का इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये सीरीज कम्प्लीटली हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखे। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है शैंग्री-ला फ्रंटियर। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन वन, एंड सीजन वन में टोटल 25 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस सीरीज का इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये सीरीज कम्प्लीटली हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है बूचीगिरी। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन वन, एंड सीजन वन में टोटल 12 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस सीरीज का इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये सीरीज कम्प्लीटली हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है सोलो लेवलिंग। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन वन, एंड सीजन वन में टोटल 12 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस सीरीज के इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये सीरीज कम्प्लीटली हिंदी तमिल तेलुगु डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए, और जो लोग देख चुके हैं तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है लॉग होराइजन। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का टोटल 3 सीजन है, सीजन 1, सीजन 2 एंड सीजन 3, और तीनों को मिला के टोटल 62 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस सीरीज का इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो इस सीरीज का सीजन 1 कम्प्लीटली हिंदी डब में अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज का सीजन 1 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा लास्ट एनिमे है टावर ऑफ गॉड्स। इस एनिमे सीरीज को डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन वन, एंड सीजन वन में टोटल 13 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस सीरीज का इंडियन डब वर्जन के बारे में बात करें तो ये सीरीज कम्प्लीटली हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को हिंदी में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।